हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीओ जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवाया जा रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019 और 2020। इस रिपोर्ट से जितने सारे क्वेश्चन बने हैं उसे हम लोग देखते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। पहला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की। इसकी व्याख्या देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना है? तो 3.85 करोड़ है। इसकी व्याख्या देखिए, टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इट स्टैंड एट 3.85 करोड़ इन 2019-20। द लास्ट फाइव ईयर 2015-16 टू 2019-20 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैज ग्रोन बाय 11.4%। हैज एसिज फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज बाई 18.2% फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो 27.1% है। इसकी व्याख्या देखें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इट इज डिनाइड एज ए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द इलीगल एज ग्रुप इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इट इज 27.1% इन 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक कितना है? तो 1.01। इसकी व्याख्या है, जेंडर पार्टीज इंडेक्स GPI इन हायर एजुकेशन इट स्टैंड एट 1.01 इन 2019-20। इट शोज इम्प्रूवमेंट इन द रिलेटिव एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर फीमेल्स ऑफ एलिबल एज ग्रुप कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है? तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार PhD करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 2.03 लाख है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।